Good morning, everyone. So today again I will teach you MySQL, and for that I will download the latest version of MySQL, and meantime I'll show you also from where I am installing. I have clicked on MySQL download, simple search, and then MySQL community download, and just click here, no thanks, just start my download. Then this file will open, MySQL installer will install on your download, and then you simply open it. Must go for the new one, because after that I am going to teach you about the connectivity, then the older version will give problem. So please go for the newer version. MySQL, please wait while Windows configure MySQL installer. So chalo isko apna kaam karne do. Meantime I'll start also Word. And please let me know कि मैंने कहाँ तक पढ़ाया था, एंड उसके बाद फटाफट अभी हाफ एन आवर में जितना है मैक्सिमम मैं स्किल फुल कर सकते अपना फुल करने के. कमर्स तो मुझे याद है तो मैं अपने आप कमर्स कर, और ये जो काम है इसको भी साथ ही साथ चलाएंगे. इंस्टॉल कहाँ हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है ना भाई, पहले तो ये पाइथन पाइथन चला लेंगे. हाँ ये चल रहा है ठीक है, इसको चल रहा है ये बता सॉफ्टवेयर, ये चल रहा है ठीक है. और विंडो विल स्टार्ट वर्ड. सो लास्ट कमांड वाज तनिध्य सशेप यू हैव कम ओके यू से नाउ लास्ट कमांड तनिध्य बेटा आई थिंक इंसर्ट. सर आपने लास्ट टाइम क्लास में तो रिवीजन कराया था जो 11th वाला पोर्शन था, उसका मतलब डेटाबेस बना के उसको ओपन करके और टेबल क्रिएट करना और उसमें डेटा वैल्यूज इंपोर्ट करना. पार्ट ऑफ सिलेबस फॉर 12th क्लास, मेनी क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दैट. सो व्हिच वाज द लास्ट कमांड आई एम आस्किंग यू आई टू यू सर इंसर्ट. इंसर्ट yes sir, insert into table okay. Fir values wala okay. I will go for the select command. This is the first revision, okay. I have already got everything. So select command, which is used to display the values onto the screen, as well as we can set any query using select command. This I have given you definition everything in 11th class. So asterisk means all columns from can you just give me a hint, the database which I have taken, or I'll take any database. ओके अज्यूम करके चलते हैं, एक फटाक से टेबल में बना लेते हैं बस. बहुत एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी है ना, ऐसा कुछ लेते हैं ठीक है. वन नेम नेम सैलरी कुछ भी ओके. टू DB, salary DB. Okay, so the first command which I am giving you is select asterisk from EMP. Beta, let me install this. तो फिर मजा आएगा बनाने में, है ना? Just few minutes it will take. MySQL reconfigure, add MySQL server, everything I want. Yeah, ये ना. सभी चीज तो नहीं रही, तो मैं इसके एक काम करता हूँ. आई विल टेक माय स्क्रीन. व्हाई इज नॉट टेकिंग दिस. प्लीज सेलेक्ट द प्रोडक्ट एंड फीचर यू वुड लाइक टू इंस्टॉल ऑन दिस मशीन. आगे ठीक है, एप्लीकेशन में से भी ले लेते हैं. ओके ठीक है, पूरे ही आ जाते हैं, नहीं आ रहे, थोड़ा एक ही करते हैं. कनेक्टर ले लेते हैं, ओडीबीसी और भी कनेक्टर है, एक ही एक बार नहीं आ गया तो ठीक है. कनेक्टर पर ओडीबीसी ले लिया है, पाइथन के लिए भी कनेक्टर चाहिए. अभी
ये भी ले लेते हैं, दोनों ही आ गए सर। डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, MySQL डॉक्यूमेंट सर्विस ले लेते हैं क्या? सारी चीजें ले लो, इंजीनियरिंग ले लो, उसको भी दे दिया। अब अच्छा क्या सैंपल्स एंड एग्जाम्पल भी ले लो, तब उसको तो छोड़ ही। नेक्स्ट आप देख लेना बेटा, इस तरह से MySQL सर्वर वर्क बेंच कनेक्टर VCB आ गया, ODBC आ गया, पाइथन आ गया, ये आ गया, सब ये ले लेना। एंड देन यू सिंपली ऑन एग्जीक्यूट। अंडरस्टूड? देखो इस इंस्टॉलेशन में दिक्कत नहीं, दिक्कत देगा आगे मुझे पढ़ने में। तो क्लिक हियर, इट इज नाउ इंस्टॉलिंग MySQL सर्वर। MySQL वर्कबेंच विल बी स्टार्ट इंस्टॉल एंड देन कनेक्टर। सो एवरीथिंग देखते हैं क्या क्या हो रहा है, जस्ट फ्यू मिनट्स, सो दैट आफ्टर इंस्टॉलेशन I don't think it will take much time. Sir, I saw on net once that some people were not using that command prompt in MySQL that we use. They were using something else like this MySQL workbench. आगे तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं ना, मगर आपके सिलेबस में बेटा कमांड लाइन इंटरप्रेटर ही है, that is on command prompt, that is MySQL prompt, we have to write the commands. Yes. Part of syllabus में ही है. Yes, I agree. मैं मुझे मालूम है. कनेक्टर ODBC, ये कनेक्टर काम आएगा आगे भी आपको, मैं आपको कनेक्टिविटी सिखाऊंगा। जस्ट फ्यू मिनट्स बियर विद मी। सो मेन टाइम सेलेक्ट, मैं बोलता रहूं ताकि ऐसा ही लगे कि मैं बिल्कुल स्टैच्यू बना। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एस्ट्रिक्ट मींस ऑल कॉलम एंड व्हेन वी गिव फ्रॉम EMP इट इज प्लेस ऑल द रिकॉर्ड्स। ओके, all the record means all the columns, and because we have not given any condition, so it displays all rows also. But once we put a condition or a clause, then it displays selected records. So next point I'll go next. Now beta ye yaad rakhna port number, please any of you note it, maybe note kar raha hu, ek minute I'll keep me note kar raha. Dekho yahan pe ye error dikha raha hai 3306. So I will take this as 3307. Then only ये आगे बढ़ेगा। ये भी आप लोग अपनी मशीन पे भी देख लेना, 3307 पे सही हो गया, आपने देखा। इसको नोट करके रखना है कि सर अगर कभी प्रॉब्लम आए, जब कनेक्टेशन वगैरह स्टैब्लिश करेंगे ना बेटा, तो वहाँ पे हमें पोर्ट नंबर लिखना पड़ेगा। तो रिमेंबर दैट आई हैव नोटेड डाउन इन बुक 3307 पोर्ट नंबर। मैं भूल जाऊंगा कि मैंने 3307 क्या लिखा। ओके, नेम द पेज ले लें, क्या ले लें, क्या जरूरत ले लो, सब ले क्या। नेक्स्ट कुछ छूटे नहीं, 3307 पोर्ट नंबर और 3306 ये भी जरा नोट कर लेना, एक्स प्रोटोकॉल पोर्ट 33060। नेक्स्ट यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रिकमेंडेशन। ओके, नेक्स्ट रूट पासवर्ड कैप्स लॉक्स इज ऑन, सो अच्छा इसने बता दिया। तो आई विल टेक सिंपल रूट, रूट जबकि कह रहे स्ट्रॉन्ग लॉक, मगर मैं तो रूट ही हूँ। रूट एंड पासवर्ड यू ऑल्सो टेक रूट, ठीक है, वीक है, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है वीक है। तो रूट इज द पासवर्ड, रिमेंबर है ना, स्मॉल नेम प्लीज नोट डाउन, सो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्मॉल में कैप्स में नहीं है, ओके कैप्स ऑफ है, ठीक है कैप्स ऑफ। नेक्स्ट देन सर्विस नेम MySQL 80, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ओके जनरल लॉग जनरेटर कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सर्वर आई डी 1 ठीक चलेगा, अभी मुझे सर्वर प्रोग्रामिंग करनी नहीं, फिर भी आई डी 1 है तो याद रहना चाहिए। टेबल नेम्स केस, दिस ऑप्शन सेट्स द कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल लोअर केस टेबल नेम इक्वल्स टू 1, प्रिजर्व गिवन केस, दिस ऑप्शन सेट्स द कॉन्फ़िगरेशन छोड़ो, लोअर केस डिफॉल्ट दिखाएंगे, एग्जीक्यूट।
MySQL 8 वर्जन ही लेना बेटा, नहीं तो वो दिक्कत है कि मेरे साथ ही दिक्कत आई थी, मैं पुराना 5 वर्जन पे वर्कआउट कर रहा था, कनेक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम आई थी, फिर बाद में मैंने सब हटा के और एक और MySQL के साथ प्रॉब्लम है क्योंकि प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हो या पासवर्ड भूल जाना तो फिर बहुत सिस्टम फॉर्मेट ही करना भूल जाता है, इसलिए ध्यान से करना, मे टेक अ लॉन्ग टाइम। चलो मेन टाइम आई विल शो यू सम क्रॉस व्हिच आई टोल्ड यू सेलेक्ट एसटी फ्रॉम ईएमपी। तो ये ईएमपी से सारे रोज को एंड सारे कॉलम्स को बिकॉज वी बट वेयर व्हेन वी यूज वेयर क्लॉज एंड विथ वी राइट सपोज बिटवीन, सो इट डिस्प्लेस द वैल्यू इन अ गिवन है, सपोज हैव बीन बिटवीन सेल सेलिंग वेयर सेल बिटवीन सॉरी वेयर सेल बिटवीन 1000 and 10000। नाउ इन बोर्ड दे गिव यू क्वेश्चन लाइक राइट एन अल्टरनेटिव कमांड फॉर इट, सो व्हाट अल्टरनेटिव कमांड यू विल राइट इट हियर, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम ये फॉर लिख दिया है, ध्यान रखना एस्टिक फ्रॉम ईएमपी वेयर सेल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1000 एंड सेल लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज कम्स योर इन, सो व्हेन वी राइट योर सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम ईएमपी वेयर नेम in and list of name, you can round bracket, you can use round bracket, you can give, suppose I have gone to give where e name I have used, meantime I'll check also kabhi kahan pahuncha ye, okay finish, next password caps is on, so password also I'll give root only root, likh lo beta यूजर आई डी भी रूट है, पासवर्ड भी रूट है। अब देखो यहाँ पे कुछ फिर से ये एरर दिखाना शुरू करता है, क्यों कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसको, यूजर नेम रूट पासवर्ड यूजर नेम रूट पासवर्ड ROOT, ऐसा क्यों कर रहे हैं, पासवर्ड एक मिनट रुको, इसमें भी मैंने कुछ किया था भूल जाए, अभी करते हैं इनको क्रेडेंशियल, रुको एक मिनट, इसमें कुछ मैंने किया था, कुछ गड़बड़ भी है, रूट पासवर्ड यूजर आईडी यूजर नेम रूट ही है ना, कैप्स तो नहीं था, ओके व्हाट वी विल डू, भूल गए ROOT, पहले चेक करेंगे, चेक यस कनेक्शन सक्सीड है ना, अंडरस्टूड बेटा, अगेन आई विल राइट कैप्स वेस्ट नहीं हो गए, अब कैप्स ऑफ ROOT, चेक नहीं किया था, चेक कर, चेक करते ही कनेक्शन सक्सीड आ जाएगा और नेक्स्ट आ जाएगा और एग्जीक्यूट कर दो, रनिंग स्क्रिप्ट अभी तक तो नहीं आ रही, रनिंग स्क्रिप्ट जस्ट कर दो, रनिंग स्क्रिप्ट ये आपका इंस्टॉलेशन भी आपको समझ में आ जाएगा, प्लीज इंस्टॉल इट क्योंकि मैं कनेक्टिविटी बढ़ाने वाला हूँ सिस्टम, आई इंस्टॉल एच, चलो भाई जल्दी करो, रनिंग स्क्रिप्ट ओके, सो वेयर वी आर टेकिंग वेयर सेलेक्टिंग माय वेयर ई नेम इन ए बी बी सर एक्सेट्रा, सो इट विल डिस्प्ले वेयर द नेम्स आइदर ए और बी और
बीबी और सर. ओके फिनिश. नेक्स्ट स्टार्ट माय एसक्यूएल वर्जन फिनिश. ओके सो अगेन दे विल आस्क यू गिव अल्टरनेटिव कमांड फॉर इट. सो सेलेक्ट asterisk from emp where ename in ki jagah aapko ename equals to aa or welcome to this. theek hai khatam hai. pehle ek bar dekh le mysql ओहो 5.5 इसमें पहले से इंस्टॉल था. कोई बात नहीं, उसे 5.5 चेंज नहीं मिली थी. और यहाँ पर आर ओ ओ टी रूट हेलो क्या कर रहे हैं. MySQL कमांड लाइन ओ कैप्स आर ओ ओ टी रूट चल गया. अब चलो अब रंग से बाहर निकालते हैं. इज इट विजिबल या थोड़ा सा इसको और फॉन्ट. यस सर इट्स विजिबल. बस अब हो गया बेटा, आज थोड़ा सा आगे बढ़ाने में मजा आएगा. चलेगा ठीक है. सो विल सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस. अब एम्प्लॉय भी चलाएंगे ईएमपी एलओ वाई एम्प्लॉय द डेटाबेस. देन यूज यू नो ऑल दिस कमांड्स है ना बेटा, मैं बता नहीं रहा. यूज एम्प्लॉय देन क्रिएट टेबल कैप्स ऑल कर लो. क्रिएट टेबल ईएमपी ENO INT primary key ename character. वेर कैर भी ले सकते हैं 20 वेरिएबल एंड कैरेक्टर. नॉट कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा टाइम इसमें लग गया. नेक्स्ट विल बी इनेम नॉट नल एंड देन सैलरी लोग छोड़ो, कोई कंडीशन नहीं देते. एक्सिटी मैं ले लेता हूँ. वेर कैर ले लेते हैं, वेर कैर टू भी ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं, वर्जन का फर्क होता है. टू एंड डिफॉल्ट पोर्टल एंड एंट्री. वेर कैर टू डिफॉल्ट व्हाट इज द प्रॉब्लम सिटी वेर कैर नहीं समझ रहा. वेर केयर टू को नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, वेर केयर को समझ रहे ना बात. सो अब यहाँ पे कुछ इंसर्ट भी कर लेते हैं. इंसर्ट इनटू बेटा ये एक सब प्रैक्टिस रखना, बोर्ड में होने वाला है तो बोर्ड एग्जाम होगा. इंसर्ट इनटू एमपी वैल्यूज वन ए क्योंकि मैंने insert any mp values is okay. ओके अब नेक्स्ट वाले में मैं थोड़ा कम कर देता हूँ कॉलम. दैट इज ई एन ओ ई नेम और सैलरी भी छोड़ और एम्प्लॉय नंबर टू कर देते हैं. कुछ भी नाम डाल लें और इसकी एक मिनट या टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है. इसकी नहीं शेयर है. इसमें कुछ बस इसमें कमांड याद होना चाहिए. वो भी नहीं सैलरी भी नहीं. ओके सो व्हेन विल गिव सेलेक्ट कमांड डिस्प्ले ऑल रिकॉर्ड्स एंड देन विल गिव सेलेक्ट
मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ. वेयर सेल बिटवीन तो ओनली वन रिकॉर्ड विल कम बिकॉज नल विल नॉट कम सेल बिटवीन 1000 एंड 5000. ठीक है. अब इसी में इन है, इसी में आपका लाइक स्टेटमेंट इफ यू आर अवेयर ऑफ इट. शशि सानिध्य लाइक स्टेटमेंट जल्दी बोलो. नो सर मतलब ऐसे कुछ था शायद कि उस लेटर से स्टार्ट होता है. लिख लो. ओ यस सर लाइक. हाँ लाइक हैश और वो सब लगाते थे. वी आर इन नेम. देयर आर टू वाइल्ड कार्ड्स कैरेक्टर फॉर दिस. वन इज वी आर इन नेम लाइक A percent. Percent means any substring after A. So A वाले नाम भी display होंगे. जो A alphabet से start होते हैं. But if you use here like A, and then you use underscore, and then you use B, and then underscore. इसका मतलब क्या हुआ कि first character has to be A, then underscore any unknown character. कोई भी B C D X Y Z A B C D कुछ भी हो. And third character has to be B and then any other character. Got it? Yes, sir. And if I write it here, so एक और example ले लेते हैं. वो example लेने में क्या है? अभी आज की क्लास भी यहीं पे बैठ जाएगी. Underscore underscore n percentage. इसका मतलब क्या कि कोई भी दो unknown character, फिर उसके बाद third character should be n and after that anything. And if I write it here, n के बाद कुछ भी, and then if I write it here, suppose m, तो इसका मतलब है कि दो unknown character के बाद n होना चाहिए, n के बाद कुछ भी, but n m में होना चाहिए, last character m होना चाहिए. Hopefully clear. मैं भी बोर हो जाता हूँ इसको पढ़ने. अक्षत ने शो किया. Yes sir, clear. Next command आते हैं. कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है. ये कोर्स में बंद नहीं जाए इसलिए कोर्स बंद करने को बोल रहा था. ठीक है. एम्प्टी सेट ऐसा कोई कंडीशन मेंशन नहीं करेगा. ठीक है. अब जितने भी कमांड्स हैं आपके डिलीट अपडेट सॉर्ट एक्सेट्रा. सॉर्ट के लिए याद बस है या नहीं है? ऑर्डर वाइज इसमें कर सकते हैं. यस सर. ऑर्डर वाइज ये कर सकते हैं. तो आप डबल ट्रिपल कंडीशन भी दे सकते हैं. मैंने टू कॉलम से भी सॉर्टिंग बताई थी अगर याद हो तो. इट टेक्स द प्रायोरिटी ऑफ द फर्स्ट कॉलम. मान लो कि एक कॉलम में ए है और फर्स्ट और दूसरे में भी ए है, मगर पहले वाला जो है उसमें जो सेकंड कॉलम जिससे हम सॉर्ट कर रहे हैं उसमें बी है और जो सेकेंड वाला है उसमें फिर से ए है. तो ऑब्वियसली ये सेकेंड वाले रो को ऊपर कर देगा, फर्स्ट वाले रो को नीचे करेगा. दिस इज व्हेन वी आर सॉर्टिंग बाय टू कॉलम. ओके. एनी अदर प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी. अब मैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फिर उसके बाद आपके सिलेबस में. आई विल शो यू. एक मिनट इधर रिवाइज सिलेबस ले लेते हैं और एक बार रिवाइज सिलेबस देख लेते हैं क्या है. रिवाइज सिलेबस कंप्यूटर साइंस वो आ जाता है. सर्च मार लिया. कम ऑन सर्च. चलो ये सर्च कर लो. सीबीएसई अकेडमी खोल लेते हैं. अकेडमिक्स डॉट ऑफ सीबीएसई. कौन सा है यार? इसमें सिलेबस में कौन सा लेना है? कंप्यूटर अकेडमी हिंदुस्तानी ग्रुप है. ठीक
इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी एबीसी कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ठीक सिलेबस कम कर दिया है बेटा। 11 एंड 12 दोनों पढ़ के जाना पहली बता रहा हूँ बिल्कुल मत छोड़ो क्योंकि 11 का 50% तो शायद क्वेश्चन ही आ जाएंगे। जस्ट माई स्कूल डेटा बेस कॉन्सेप्ट जो डेटा बेस कॉन्सेप्ट एंड रिलेशनल डेटा मॉडल कॉन्सेप्ट डोमेन एक्सेट्रा ठीक ये 11 पढ़ा है ना तो ये सारा सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम देयर इन बिटवीन लाइक नल इज नल ऑर्डर बाय ग्रुप बाय हैविंग स्केल फंक्शन सम एवरेज फ्रॉम मैक्स ज्वाइन ये 11th का है कि 12th का मुझे समझ नहीं आया। एक मिनट रुको ये 12th में ही दिया है भाई आपका अच्छा हुआ कि मैंने 11th में आपको पढ़ा दिया था ये सब चीजें फिर से आ रही हैं देख लो। यस सर। अच्छा इसमें अब एक मिनट चलो मैंने प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन रिलेशन ट्रिपल एट्रीब्यूट डिग्री कार्डिनलिटी की फ्रेंडली की कैंडिडेट की अल्टरनेट की एंड सर इसमें ग्रुप बाय और हैविंग नहीं पढ़ा था आपने 11th में बिल्कुल नहीं वो 12th में ही छोड़ा और फॉरेन की ओके फॉरेन की भी पढ़ाऊंगा तो अगली क्लास में मुझे फिर से याद दिलाना ग्रुप बाय हैविंग फॉरेन की और ये ज्वाइंस इटली ज्वाइंस और सारी चीजें ये सारी चीजें मैं पढ़ा दूंगा ठीक है। यस सर। और यस सर बेसिक कांसेप्ट क्लियर है तो मैं सीधे अब 12th वाले पोर्शन के हिसाब से ओके श्योर सर श्योर तो मैं इन द नेक्स्ट क्लास और मेरे नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे बाय और अगर आपने कुछ कहा था आने वाले के लिए तो मुझे कॉल कर देना। यस सर वो मैंने आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए मैसेज किया था। ठीक है नो प्रॉब्लम मैं सेंड करूंगा बहुत सारे बच्चों ने पहले भी हाँ तो फिर मैं सर एक्चुअली अभी शायद मैं 11:30 करीब पर मैं स्कूल आऊंगा वो फादर से बात करनी है इसी रिगार्डिंग तो मैं शायद अगर आप तब फ्री हो तो मैं आपके पास भी स्कूल में मिल लेना। ओके सर श्योर थैंक यू सर।